हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द अर्थ, रेनबो बुक, ग्रेड 12 बिहार बोर्ड से। ये जो हमारा चैप्टर है द अर्थ, इसको लिखा है H.E. बेट्स ने। H.E. बेट्स, बोर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, वाज वेल एक्वेंटेड विद द इंग्लिश कंट्री साइड, स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव्ड देयर। H.E. बेट्स, जिनका जन्म जो है नॉर्थहैम्पटन सेंट्रल इंग्लैंड में हुआ था, वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे जो वहाँ के कंट्री साइड होते हैं, गांव के एरिया होते हैं उनसे, खास तौर से जो किसान वहाँ रहते हैं उनसे वो बहुत अच्छे से परिचित थे। अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, ही वर्क्ड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। H.E. बेट्स जो है एक जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने जो है एक पत्रकार के तौर पर भी काम किया है। हिज फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश व्हेन ही वॉज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इनकी सबसे पहली नॉवल जब छपी थी तब इनकी उम्र जो है 21 साल की थी। He wrote many short stories about airmen and their adventures based on his experience in the Royal Air Force. इन्होंने बहुत सारी short stories लिखी जो लोग हवा में उड़ते हैं, यानी कि जो लोग प्लेन में ट्रैवल करते हैं या जो प्लेन उड़ाने संबंधित जो भी लोग होते हैं, उनकी एयरफोर्स वाले जो होते हैं उनके बारे में, उनके एडवेंचर्स के बारे में जो उनको अनुभव हुए, अब उसके रॉयल एयरफोर्स के अंदर जो भी उनको अनुभव हुए उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड फेस्ट टू द विंड फॉर फ्रांस, द पर्पल प्लेन, द जैकरैंडा ट्री, द स्कारलेट स्वॉर्ड एंड द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। ये जो है इनके महत्वपूर्ण कामों में से एक है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी द अर्थ, set in English countryside, is about a farmer Johnson and his son Benji, who appears to be a simple-minded person. अब ये जो हमारी short story है, The Earth, ये जो है एक तरह से गांव की, इसकी जो setting है, वो पूरी तरह से गांव की है, और ये एक किसान के बारे में है, जिनका नाम Johnson था, और उनका लड़का Benji, जो कहने में या देखने में काफी सीधा साधा था, आप काफी हद तक उसको मंद बुद्धि भी मान सकते हैं। द स्टोरी वेल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड द कनिंगनेस ऑफ द सिंपल माइंडेड सन, हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम। अब ये जो स्टोरी है ये हमें दर्शाती है कि किस तरह से जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा आलसी थे, उन्होंने खुद अपनी तरफ से मेहनत नहीं करी। कोशिश ये थी कि वो जो है लड़के पर निर्भर थे या लड़के को चाहते थे कि वो हमारे लिए कुछ करे, और वहीं ये जो सीधा साधा दिखने वाला लड़का था ये कब चालाक हो गया। इसने जैसे कहना चाहिए ना, अपनी सादगी में जो है उसके कहीं चालाकी छुपी थी, जिससे इनके पेरेंट्स जो है वो धोखा खा गए। नतीजा ये हुआ कि इस लड़के ने जो है अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। तो ये जो है हमारी स्टोरी का एक आउटलाइन है। अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। द अर्थ, ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द अर्थ। जॉनसन के पास जो भी कुछ था बस वो उनकी जमीन थी। वेरी ऑफन इट सीम्ड एज इफ इट वर ऑल दे हैड एवर हैड, और कई बार ऐसा लगता था जो बस जो है वो यही है और कुछ नहीं है उनके पास। इट वॉज ट्रू दैट दे ऑल्सो हैड पोजेशंस, अ प्लॉ, अ टू व्हील कार्ट, टूल्स एंड अ बोनी ब्राउन मेयर विच स्लोली ड्रैग्ड द प्लॉ एंड द कार्ट अबाउट देयर रफ 4 एकर प्लॉट। ये भी बात सच है कि उनके पास कुछ और चीजें भी थी, जैसे एक हल था, 2 व्हील वाली गाड़ी थी, टूल्स थे, एक बहुत ही पतली दुबली ब्राउन कलर की घोड़ी थी जो बहुत धीरे धीरे हल को खींचती थी, और जो कार्ट था वो क्या कहते हैं इनकी जो 4 एकड़ की छोटी सी जमीन थी, थोड़ी रफ सी थी, उसको जो है ये जैसे तैसे मैनेज करते थे। बट विदाउट द अर्थ दीज थिंग्स वर यूजलेस, पर अगर उनके पास जमीन ही ना होती तो ये चीजें किस काम की थी। It was true that they had also a son. अब ये बात भी सच है, उनका एक लड़का भी था। The Johnson's son was named Benji, and it was more than 30 years since they had surrendered to the idea that he was not right in his head. इनका एक लड़का था जिसका नाम था Benji, और लगभग अब 30 साल हो चुके थे जब ये बात को पूरी तरह से मान चुके थे कि वो जो है दिमागी तौर पर सही नहीं है। It was not that he was insane or imbecile, or even that he could not read and write and count figures, but only that he was simple, not quite like the other people. ऐसा नहीं है कि वो पागल था या बेकूफ था या वो पढ़ लिख नहीं सकता था, फिगर्स नहीं काउंट कर सकता था, बस सिंपल ये बात थी कि वो बहुत सीधा साधा था और लोगों जैसा नहीं था।
And because he was their only son, the Johnsons had spent many years being a little too kind, too anxious, and too sacrificial towards him, so that he had grown up to seem worse in their eyes and then he really was. अब क्योंकि ये उनका अपना एक अकेला लड़का था, इसकी वजह से जॉनसन्स ने बहुत सारे साल जो हैं उसके प्रति, जैसे होता है ना, काफ़ी दया दिखा के उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा एंशियस थे वो लोग, काफ़ी उसके प्रति उन्होंने सेक्रीफाइसेस करी, और नतीजा क्या हुआ कि उनको जो है वो देखना पड़ा, जो जो बुरा उनको देखना पड़ा, उतना उनको उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा निकलेगा. बेंजी हैड द लार्ज लूज लिम्स that often belonged to a simple minded and thick soft fair hair on his face. Benji jo hai bahut hi dheela dhala sa insaan tha aur bahut hi simple minded tha. Uske baal jo hai wo thode se thick the par bahut mulayam hairs the aur chehre pe bhi bahut mulayam hairs the. He had the look of being a simple hearted man as well as simple minded man. देखने में वो बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल सीधा साधा सादगी भरा इंसान होगा, उसको कोई और चीजों से मतलब नहीं था. His eyes were blue and all day long he had a simple smile on his face. उसकी आंखें नीली थी और उसके हमेशा चेहरे पर एक स्माइल बनी रहती थी. But someone where behind the blue eyes, the simple smile and the soft childish hair, his simplicity seemed gradually to have become a kind of cunning. और ये कहते हैं ना कि जैसे एक सादगी भरे चेहरे के पीछे कहीं ना कहीं एक चालाकी छिपी होती है, बस वही इसके साथ था. कहीं इसकी एक जो प्यारी सी स्माइल थी सिंपल सी, या इसके जो बालों की मुलायमियत बच्चों जैसी थी, या इसकी जो एक बहुत ही सिंपलिसिटी सी दिखती थी, वो कब चालाकी में बदल गई ये किसी को पता ही नहीं चला. इट वॉज मोर देन 30 years सिंस द जॉनसन्स रियलाइजिंग दैट ही वॉज नॉट क्वाइट लाइक अदर्स हैड टेकन बेंजी टू अ डॉक्टर. अब 30 साल से इस बात को ज्यादा हो चुकी थी जब जॉनसन को एहसास हुआ था कि बेंजी जो है वो औरों के जैसा नहीं है, इसलिए वो उसको डॉक्टर के पास ले गए थे. दिस डॉक्टर हैज पर्सुएडेड देम दैट ही नीडेड इंटरेस्ट दैट वुड स्ट्रेंथन हिज माइंड. अब डॉक्टर ने इन लोगों से कहा कि तुम्हें इसको उस काम में लगाना चाहिए, ऐसे इंटरेस्ट में जिसमें इसका दिमाग थोड़ा सा मजबूत हो. इट वुड बी गुड इफ वी गेव देम समथिंग टू डू, सम ऑक्यूपेशन विच वुड हेल्प हिम हिज डेवलपमेंट. बहुत अच्छा होगा तुम इसे ऐसा काम करने को दो जिसमें इसका विकास हो सके. इट वुड हेल्प अ ग्रेट डील इफ दे गिव हिम अ स्पेशल इंटरेस्ट टू फीड हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर तुम इसको ऐसा काम दो जो इसके इंटरेस्ट का हो, तो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो जिम्मेदारी होती है अहमियत वो समझ में आएगी, वो अपने आप उस चीज की जिम्मेदारी समझेगा. यू आर पीपल ऑन द लैंड द डॉक्टर सेड लेट हिम कीप हैंस. तुम्हारे पास जमीन तो है ही, क्यों ना इसको जो है मुर्गी पालन का काम दे दो. So for many years Benji had kept hens, and what the earth was to his mother and father, the hens were to Benji. अब बहुत सालों के लिए बेंजी के पास मुर्गियां थी, तो जैसे जमीन की वैल्यू मदर और फादर को थी, ऐसे ही सेम इम्पोर्टेंस बेंजी को हेंस को लेकर थी. दे वर ऑलमोस्ट ऑल ही हैड, उसके पास वही था जो बस मुर्गियां थी. When he came from school cut off by his simplicity from other children, Benji was straight to home to his hens, which he kept in a wire coop that his father made at the back of the house. जब भी वो स्कूल से लौट के आता था तो और बच्चों के साथ नहीं खेलता था, वो सीधे घर आता था अपनी मुर्गियों के पास, जिसको उसने जो है एक तार के दरबे में रखा हुआ था. ये जो दरबा था ये फादर ने बनाया था और घर के पीछे बनाया हुआ था. At first he kept 10 or a dozen hens, all colors and breeds, brown and speckled and black and white, and the coop was small. शुरू में इसके पास दर्जन भर या 10 मुर्गियां थी, हर रंग की, हर ब्रीड की, ब्राउन भी थी, स्पॉटेड भी थी, काली सफेद भी थी. अब उनके लिए दरबा छोटा पड़ने लगा था. He fed the hens simply on scraps from the table. अब ये जो है मुर्गियों को जो दाना डालता था उसमें जो बचा कुचा टेबल पे, जैसे हम लोग खाते हैं कुछ गिर जाता है तो वो जो बच गया वो उसने जो है इनको डाल दिया था, या बचा कुचा जो प्लेट में खाना होता है वो डाल दिया था, या फिर seeded cabbages strung from the wire. जो ऐसे कैबेज होते हैं जो काफी टाइम तक लगे रहते हैं और फिर उनमें से धीरे धीरे जो है बीज निकल आते हैं या फ्लावर निकल आते हैं, तो ऐसे कैबेजेस को जो है उनको खिलाता था. एक छोटा सा मेज जो होता है वो डाल देता था, और एंड ऑन कॉर्न ईयर्स विच ही ग्लीन इन द लेट समर फ्रॉम हिज फादर एकड़ ऑफ स्टबल. या फिर वो उनको भुट्टो के दाने खिलाता था जो उसने कलेक्ट किए होते थे, जो फादर की जमीन थी उसमें वो जो अपना एक इकट्ठा करते थे, कलेक्शन जो होता था उसमें से उसने उनको कलेक्ट करके खिलाना शुरू किया था. इट इज पॉसिबल दैट अ हेन बीइंग अ सिंपल क्रिएचर
थ्राइज बेस्ट ऑन सिंपल ट्रीटमेंट। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि जैसे मुर्गी है, बिल्कुल सीधी साधी सी मुर्गी होती है, वो खूब खुश रहती है जब उसको सादा सा ट्रीटमेंट मिले, दाना मिले खाने को, उसे बड़े अच्छा लगता है। बेंजी अंडरस्टूड द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग अबाउट अ हेन दैट इट एग्जिस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लेइंग एग्स। बेंजी को जो है पहली और आखिरी चीज मुर्गी के बारे में ये समझ में आ गई थी कि इसका मेन पर्पज है अंडे देना। इन दोज डेज दिस सिंपल प्रोसेस हैड नॉट बिकम साइंटिफिक नॉर हैड इट बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड कमर्शलाइज्ड। उन दिनों में ये जो प्रक्रिया थी ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक तो थी नहीं, वैज्ञानिक तो थी नहीं, ना ही ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, ना बहुत ज्यादा इसकी मार्केट को वो थी, मतलब कमर्शलाइज नहीं थी। एग्स वर चीप हेंस मिस्टीरियसली पेग नरिशमेंट ऑफ द बेयर अर्थ। अंडे सस्ते होते थे और जो मुर्गियां थी वो जमीन से ही दाना चुग चुग के अपना पेट भरती थी। दे सैट इन अ होम मेड नेस्टिंग बॉक्स ऑन स्ट्रॉ एंड लेड द एग्स एक्सपेक्टेड ऑफ देम। वो बस फिर उसके बाद आके जो उनका एक तरह से घोंसला टाइप का जो होता है जहां पर वो अंडे देती हैं, उस जगह वो स्ट्रॉस का बना होता था, या आप कह सकते हैं बॉक्स लाइक जो है नेस्ट बना होता था, और उसमें जो है वो अंडे देती थी जैसे से उनके उम्मीद करी जाती थी। बेंजी अंडरस्टूड अनदर थिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस एंड दैट वाज दैट एग्स कुड बी सोल्ड टू कॉलर्स एट द बैक डोर ऑफ देयर हाउस इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स एंड फाइवर्स एंड द मनी फ्रॉम दीज एग्स वॉज पुट केयरफुली almost religiously into a large white basin that stood on the top shelf of the kitchen cupboard. मुर्गी पालन से संबंधित बेंजी को एक चीज और समझ में आई, वो ये थी कि अंडों को जो है बेचा जा सकता है। वो जो उसका बैकडोर है घर का, वहां से जिन लोगों को अंडे लेने उनको बुला बुला के अंडे बेचे जा सकते हैं, चाहे 10-20 बेचो या आधे दर्जन बेचो या 5 के उसमें बेचो, जैसे चाहो वैसे अंडे बेचो। और नतीजा क्या होगा कि वो जो अंडे तुम बेच रहे हो उसको फिर बाद में उससे जो पैसे मिल रहे हैं उनको एक बहुत बड़े से वाइट बाउल में जो कि किचन कबर्ड के टॉप शेल्फ में रखा हुआ है उसके अंदर उसके पैसे रख दिए जाते हैं। द बेसिन वॉज बियॉन्ड बेंजीज रीच। अब ये बेसिन जो था, ये जो बाउल था, ये बेंजी की पहुंच से बाहर था। बट वन डे हिज मदर वुड टेल हिम द मनी विल बी योर्स। पर एक दिन उसकी मदर ने उससे कहा ये पूरा पैसा तुम्हारा है। यू अंडरस्टैंड, तुम समझे, योर फादर एंड मी आर गोइंग टू सेव द मनी। मैं और तुम्हारे फादर जो हैं मिलकर इस पैसे को बचा रहे हैं। वेंस देयर इनफ वी विल शैल पुट इट इन द बैंक। जब ये पैसा खूब सारा हो जाएगा हम इसे बैंक में डाल देंगे। द बैंक विल गिव इंटरेस्ट ऑन इट एंड देन वन डे व्हेन यू आर 21 इट विल बी योर्स बाय राइट्स। अब बैंक इस पर इंटरेस्ट देगा और एक दिन जब तुम 21 साल के हो जाओगे तब ये पूरे तरह से तुम्हारा हो जाएगा, इसमें तुम्हारा अधिकार होगा। इट विल ऑल बी योर्स एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक विद इट। ये सारा पैसा तुम्हारा होगा, तुम इससे जो चाहो वो करो। डू यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में आया। एंड बेंजी वुड सिंपली स्माइल एट हिज मदर एंड से यस ही अंडरस्टूड। बेंजी ने क्या करना था, वो वैसे ही सीधा साधा दिखता था, वो सिंपली से अपनी मदर की बातों के सामने जो मुस्कुरा दिया और जैसे हाँ कह दिया कि हाँ मेरे समझ में सब आ गया।